जय शनिदेव प्रिय दर्शकों मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूँ प्रिय दर्शकों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी चर्चा चल रही है सूर्य बुद्ध के बुद्ध आदित्य राजयोग को लेकर के और इसके साथ साथ ही हमने एक छोटी सी प्रतियोगिता शुरू की है और इस प्रतियोगिता में बुद्ध आदित्य राजयोग को लेकर मैं जब मीन लगन की कुंडली तक पहुंचूंगा तो मीन लगन की कुंडली वाले दिन कुछ सवाल पूछूंगा बुद्ध आदित्य राजयोग को लेकर के जो भी जातक उसका सही जवाब हमारे इस पोस्टल एड्रेस यानी जो नीचे आ रहा है थर्टी एल मॉडल टाउन लुधियाना में हमें पोस्ट कर देगा और जिस भी जातक का जवाब सही हुआ मैं उसे इस प्रोग्राम के माध्यम से आपसे रूबरू करवाऊँगा और उससे बातचीत करके जानेंगे कि इस प्रोग्राम के माध्यम से उन्होंने क्या सीखा और वो आपके सामने आकर खुद स्वयं ही बताएंगे और उस वो आप में से कोई भी जातक हो सकता है और अगर एक से ज़्यादा विजेता हुए तो हम लकी ड्रॉ में से उसका नाम निकाल करके एक जातक को ये मौका देंगे और मेरी कोशिश रहेगी आगे भी ऐसी प्रतियोगिता रखता चला जाऊं ताकि इसके बहाने से आप ज्योतिष विद्या सीखते भी चले जाएं और हर महीने एक जातक आपके साथ आपके सामने रूबरू होता रहे इस प्रोग्राम के माध्यम से तो आइए बात करते हैं कर्क लगन की कुंडली में सूरज बुद्ध के बुद्ध आदित्य राज्योग की प्रिय दर्शकों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे दर्शक रोज़ हमारे साथ नए जुड़ते हैं तो उन सब दर्शकों के लिए बता दूं कि ये कर्क लगन की कुंडली है ये कर्क लगन की कुंडली इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही यानी पहले घर में चार नंबर लिखा है और चार नंबर कर्क राशि होती है इसके मालिक होते हैं चंद्रमा देवता तो ये कर्क लगन की कुंडली बनी कर्क लगन की कुंडली में प्रियदर्श को सूर्य देवता के पास दूसरे घर का डिपार्टमेंट है यानी सूर्य देवता धन कुटुंब और वाणी के मालिक माने जाते हैं लेकिन सूर्य देवता इस लगन कुंडली में योग कारक ग्रह नहीं माने जाते उसका सबसे मुख्य कारण है वो अग्नि तत्व के ग्रह हैं और आपका शरीर यानी जो आपका लगन है जिसे स्वयं की बॉडी कहा जाता है वो जल तत्व की है और सूर्य अग्नि तत्व के हैं सूरज का अग्नि तत्व जल तत्व को सदैव खत्म ही करता है तो सूरज देवता भी इस लगन कुंडली में अति मारक ग्रह माने जाते हैं तो प्रिय दर्शकों चंद्रमा ने सूर्य को दूसरे घर का मालिक बनाया और बुद्ध देवता को तीसरे घर का मालिक बनाया और बारहवें घर का मालिक बनाया तीसरा घर छोटे भाई बहन तीसरा घर पराक्रम तीसरा घर छोटी मोटी यात्राओं का तीसरा घर हमारे हार्डवर्क और हमारी मेहनत का और साथ साथवें बुद्धदेव को बारहवें घर का मालिक बनाया बारहवा घर आपके व्यय का विदेश सेटलमेंट का हस्पताल के खर्चे का जेल यात्रा का ये फॉरेन सेटलमेंट का भी घर माना जाता है तो सूर्य देव को दूसरे घर का मालिक बनाया बुद्ध देवता को तीसरे और बारहवें घर का मालिक बनाया अब इस लगन कुंडली में को बड़े ध्यान से बात समझने वाली है इस लगन कुंडली में न तो सूर्य योग कारक है न ही बुद्ध देवता योग कारक है और कोई भी विद्वान अगर आपको ये कहता है कि आपकी कुंडली में सूर्य बुद्ध का बुद्ध आदित्य योग है और वो भी कर्क लगन की कुंडली में तो समझ लीजिएगा अभी बेसिक विद्या से वो जातक कोसों दूर है क्योंकि इस लगन कुंडली में दोनों ही मारक ग्रह हैं और मारक ग्रह कभी ऐसा योग नहीं बनाते जो कि रिजल्ट पॉजिटिव करने में बांधे हों क्योंकि सूर्य देवता के पास जो डिपार्टमेंट है वो आपके शरीर को खत्म करने वाला है बुद्ध देवता के पास जो डिपार्टमेंट है हो सकता है कहीं बुद्ध देवता छः आठ बारह में पड़ा होकर विपरीत राजयोग की स्थिति में आ जाए लेकिन सूर्य बुद्ध की युति से बुद्ध आदित्य राजयोग इस लगन कुंडली में कदापि नहीं बनेगा क्योंकि दोनों ही एक बुद्ध देवता है वो आपके शरीर का आती शत्रु है एक सूर्य देवता है वो आपके शरीर को ही खत्म करने वाला ग्रह माना जाता है हालांकि सूर्य और चंद्रमा अति मित्र हैं दोनों ही देवताओं में आते हैं लेकिन दोनों का तत्व एक दूसरे से बिल्कुल उल्टा है अगर चंद्रमा बढ़ जाए तो सूर्य खत्म हो जाता है अगर सूर्य बढ़ जाए तो चंद्रमा खत्म हो जाता है क्योंकि दोनों का तत्व एक समान नहीं रह पाता जो भी तत्व ज़्यादा होगा वो दूसरे तत्व को खत्म सदैव करता है तो प्रिय दर्शकों, ये बात अब आपको समझनी होगी कि बुद्ध आदित्य राजयोग के लिए सूरज के पास भी अच्छा डिपार्टमेंट चाहिए लग्नेश के साथ भी उसकी मित्रता होनी चाहिए और बुद्ध देवता के पास भी अच्छे डिपार्टमेंट्स होने चाहिए जिसके बाद ही बुद्ध आदित्य राज्यों कंसिडर किया जाता है सबसे पहले लगन कुंडली देखना अति आवश्यक है कि वो योग किस लगन कुंडली में बना है और लग्नेश के साथ उसका रिलेशन कैसा है अगर लग्नेश के साथ उसका रिलेशन बिगड़ा होगा तो सिर्फ एक विपरीत राज्यों की स्थिति ऐसी आती है जिसमें ग्रह फल दे सकता है लेकिन फिर भी ये युति फल कदापि किसी जातक को नहीं देती तो जहाँ भी कर्क लगन की कुंडली मिले और जहाँ भी आप देखें जहाँ भी कर्क लगन की कुंडली में सूर्य बुद्ध इकट्ठे होंगे चाहे सूरज की महादशा चले चाहे बुद्ध की महादशा चले वो सदैव जातक को प्रॉब्लम्स देती ही मिलेगी हाँ सूरज अगर अच्छी जगह प्लेस्ड है तो अपनी दशा अंतर दशा में धन आगमन जरूर करवाएगा लेकिन परिवार में भी कलह क्लेश मचवाएगा सदैव वाणी में भी दिक्कत परेशानियां देगा और जातक परिवार से अलग भी हो जाता है क्योंकि सूरज देवता के पास तीनों डिपार्टमेंट है धन का भी आगमन करवाता है परिवार से भी दिक्कत परेशानियां देता है और वो सारी परेशानियां जातक को सूर्य की दशा में ही भुगतनी पड़ती हैं लेकिन हम पढ़ना ये ज़रूरी नहीं समझते कि जो चीज़ आपके शरीर की ही अति शत्रु है वो आपके लिए कभी किसी कीमत पर फायदा नहीं दे सकती हाँ एक विपरीत राज्यों की अलग कंडीशन है उसके बारे में आने वाले एपिसोड में भी मैं विस्तृत जानकारी दूंगा वो छः आठ बारह का लॉर्ड छः आठ बारह में पढ़ा हो तो अच्छा रिजल्ट देता है वो एक अलग चैप्टर है लेकिन कभी भी जो लगन का अति शत्रु होगा और छ आठ बारह का मालिक नहीं होगा वो पूर्णता अच्छे फल आपको कभी नहीं देने वाला तो सूर्य देवता भी अपनी दशा में सदैव आपको प्रॉब्लम देते मिलेंगे और बुद्ध देवता भी अपनी दशा में जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट देंगे सिर्फ एक विपरीत राज्यों की कंडीशन को छोड़कर प्रिय दश को यह बात सदैव याद रखिएगा कि कोई भी योग हर कुंडली के लिए बराबर एप्लीकेबल नहीं होता क्योंकि जो भी ग्रह दो योग बनाते हैं सबसे पहले यह देखा जाता है कि उनके पास कौन से डिपार्टमेंट्स हैं या वो किन घरों के मालिक हैं दूसरी बार में यह देखा जाता है कि जिन घरों के वो मालिक हैं क्या वो अच्छे हैं क्या बुरे हैं और उनकी ग्रहों की युति किस घर में बनी है उनकी प्लेसमेंट कहां हुई है मान लीजिए सूरज बुध की युति चौथे भाव में पड़ी हो अब सूर्य बुद्ध की युति अगर चौथे भाव में पड़ी हो चाहे बुद्ध की महादशा चले चाहे सूर्य देवता की महादशा चले दोनों की दशा अंतर दशा ही जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट देगी क्यों क्योंकि सात नंबर राशि में सूर्य देवता नीच के हो जाते हैं और बुद्ध देवता इस लगन कुंडली में पहले ही मारक हैं दोनों में से किसी की भी दशा और अंतरदशा अगर चल पड़ी तो जातक का बंटाधार होना तय माना जाता है क्यों क्योंकि दोनों ही मारक ग्रह हैं अगर सूर्य की दशा चली तो माता गाड़ी भूमि वाहन मकान सबसे कष्ट मिलेगा यहाँ से सूर्य देव ने जितनी दृष्टि कामकाज पर डाली तो कामकाज संबंधी भी नित्य नवी प्रॉब्लम्स खड़ी होती मिलेंगी कामकाज रुकने और बंद होने की कगार पे भी आ सकता है बात करते हैं दर्शकों बुद्ध देवता की बुद्ध देवता भी अगर इस लगन कुंडली में अति मारक हैं तो चौथे भाव में पड़े होने से जब भी उनकी दशा अंतर दशा चलेगी सदैव माता से अलग करवा देंगे विदेश यात्रा करवा सकते हैं विदेश सेटलमेंट के लिए ले जा सकते हैं फजूल खर्चे बहुत बढ़ा देंगे यहाँ तक के छाती में कोई ना कोई विकार भी पैदा हो सकता है यहाँ से जितनी दृष्टि डाली दशम भाव पर तो चलता चलता काम भी फजूल खर्चे इतने ज़्यादा बढ़ा करके रुकने तक की कागार पर ला सकता है तो सूर्य और बुद्ध दोनों ही अपनी दशा अंतर दशा में मृत्यु तुल्य कष्ट देंगे मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना कि मारक ग्रह बहुत कम प्रॉपर कंडीशन में अपना रिजल्ट देता है अन्यथा वो कभी अपना पूरा रिजल्ट देता ही नहीं और चौथे भाव में सूर्य बुद्ध पढ़े हों और कोई पंडित जी आपको बता दें या कोई विद्वान आपको बता दे कि आपका तो बुद्ध आदित्य राज्योग है तो समझ लीजिएगा कि अभी इस विद्या से वो कोसों दूर है क्यों क्योंकि दोनों ही मार्केटों के रिजल्ट देने वाले हैं जिस भी जातक की दशा अंतर दशा चल रही हो और इस कर्क लगन की कुंडली हो उसे आप बिठा करके पूछ भी सकते हैं तो सूर्य देवता और बुद्ध देवता दोनों ही एक कष्टकारी ग्रह माने जाते हैं कर्क लगन की कुंडली में कर्क लगन की कुंडली में बुद्ध आदित्य राजयोग बनता ही नहीं है और माना ही नहीं जाता प्रिय दर्शकों इसे नोट कर लीजिए जब मीन लगन की कुंडली आएगी तो मैं यह सवाल अवश्य पूछूंगा आपसे ताकि सवाल का जवाब आप दे सकें और आगे आने वाली कुंडलियों में भी इसी तरह से बुद्ध आदित्य राजयोग की पूर्ण जानकारी आपको देता रहूंगा प्रिय दर्शकों एक बात याद सदैव रखिएगा इस लगन कुंडली में बुद्ध आदित्य राजयोग कभी नहीं बनता है जैसा मैंने अभी आपको विस्तृत जानकारी दी एक इसके साथ और बहुत बड़ी बात आप याद रखिएगा क्योंकि अक्सर जब भी कोई ज्योतिष विद्वान के पास जाता है या ज्योतिष विद्वानों से रतन रिकमेंड करता है तो जातक बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं जो सिर्फ रत्नों में ही इंटरेस्टेड होते हैं आप जी हमारा तो बस लकी स्टोन बता दीजिए या किसके पहनने से मेरे काम काज में वृद्धि होगी या मुझे सुख सुविधाएं ज़्यादा मिलेंगी या मेरे घर में बरकत रहेगी बहुत सारे लोग इस चीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि उपाय करने की पद्धति हर एक को ज़्यादा समझ में भी नहीं आती और बहुत ज़्यादा वक्त लगता है बहुत ज़्यादा जातक ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं जी हमें तो पाठ के लिए दस मिनट निकालने भी बड़े मुश्किल हैं लेकिन आज इसके साथ जानकारी देता हुआ आपको बता दूँ प्रिय दर्शकों के कर्क लगन की कुंडली में कभी किसी भी जातक को माणिक धारण नहीं करना चाहिए वो उसकी हेल्थ प्रॉब्लम में सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले करेगा क्योंकि सूर्य अग्नि है और आपका शरीर जल राशि से बना है आपका शरीर जल राशि से होने की वजह से जब आप उस पर अग्नि रख देते हो तो वो सदैव आपको प्रॉब्लम्स देती ही मिलेगी और सबसे बड़ी बात प्रियदर्श को इस लगन के जातक को कभी किसी कीमत पर भी पन्ना रतन धारण नहीं करना चाहिए पन्ना हो सकता है बुद्ध देव का रतन आपको धारण करने के लिए कोई रिकमेंड कर दे लेकिन ये बात सदैव याद रखेगा चाहे आपकी विदेश यात्रा ही क्यों न अटकी हो चाहे आपकी भाई बहनों से क्यों ना बनती हो लेकिन इस लगन की कुंडली के जातक को पन्ना सदैव वर्जित माना जाता है क्योंकि वो अस्पताल के खर्चे का मालिक भी है जेल यात्रा का मालिक भी है और सबसे बड़ी बात आपका लगन जो आपका शरीर चंद्रमा है उसका ही अति शत्रु है हो सकता है किसी की कुंडली में बुद्ध आदित्य राजयोग ना भी बने क्योंकि वो तो इस लगन कुंडली में बनता ही नहीं लेकिन बुद्ध छः आठ बारह पड़ा होकर विपरीत राज्यों की स्थिति में आकर अच्छे फल देने में के काबिल जरूर बन जाए लेकिन बुद्ध विपरीत राज्यों में अच्छे फल देने के काबिल होते हुए भी उस जातक को पन्ना रतन धारण कदापि किसी कीमत पर नहीं करवाया जाता पन्ना और सूर्य का रतन रूबी इन जातकों के लिए सदैव वर्जित माना जाता है क्योंकि दोनों ही लग्नेश के शत्रु हैं और दोनों ही लगन को खत्म करने वाले होते हैं उस जातक की लाइफ तक भी कम हो जाती है और जातक मृत्यु तुल्य कष्ट तक भोगता है तो प्रियदर्श को जैसा कि आपने जाना कि इस लगन की कुंडली में बुद्ध आदित्य राजयोग बनता ही नहीं वो उस जातक के लिए कभी होता ही नहीं क्योंकि वो दोनों ही एक मारक ग्रह हैं जो आपके शरीर को खत्म करने में सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं तो कैसे हम इसे बुद्ध आदित्य राज्यों कह सकते हैं जो कि दोनों एक मारक ग्रह हैं तो ये बात ध्यान से समझ लीजिए हर लगन कुंडली में योग अलग अलग होते हैं हर लगन कुंडली में मारक ग्रहों के अलग, अलग अलग योग बनते हैं मारक ग्रह कभी कोई योग नहीं बनाते तो प्रिय दर्शकों आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनि देव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनि देव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दृष्टि सदैव बनाए रखें जय देव